यह वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं आप सबको मालूम होना चाहिए। 12th फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, पांच, कितना बाबू, पांच ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बतलाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, इन पांचों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यानी ये पांचों क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कर लेना कंप्लीट, ठीक है। दो नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है, और इनका आंसर जो है बड़ा बड़ा है नहीं, बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, इन पांचों क्वेश्चन का आंसर कर लेना, ठीक है। हम आंसर नहीं बताएंगे अभी, अगले वीडियो में आप लोग को आंसर बतला देंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाना, ठीक है। आंसर बतलाएंगे ना वीडियो फिर काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन बतला रहे हैं, और वही क्वेश्चन बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन जो है सबको मालूम है, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे ना तो आप लोग को खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तुम लोग बोलोगे क्या सर आप कल लंबा लंबा भाषण देते हैं, बच्चा लोग भाषण सुनना पसंद नहीं करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट मुद्दा में आइए, आप बतलाना क्या चाह रहे हैं डायरेक्ट आप बतलाइए, भाषण बड़ा बड़ा दीजिएगा तो हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट आइए जाते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठीक है, बिंदु दोष को परिभाषित करें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना यूनिट वन का क्वेश्चन है, यूनिट वन का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यूनिट वन का सबको मालूम है ना, यूनिट वन का नाम क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था यूनिट आप लोग पढ़े हो ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन है, बिंदु दोष को परिभाषित करें, यानी बिंदु दोष से आप क्या समझते हो। सर आप लोग को बतलाए होंगे क्लास में, समझाए भी होंगे कि बिंदु दोष क्या है, उनके बारे में बतलाए होंगे, तो वही चीज जो है आपको क्या करना है, लिखना है, यानी बिंदु दोष को परिभाषित करना है। अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में कब कब आया हुआ है, यानी बिहार बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन जो है कब कब पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए आपका 2023 में है ना, 2023 लिखा हुआ है कि नहीं, 2023 में आया हुआ है, 2019 में, 2009 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बाबू, हल्का में नहीं लेना, हल्का में लेगा तो भारी पछताएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना यूनिट टू का है, यूनिट टू विलियन, यूनिट टू का नाम क्या है, विलियन, ठीक है, यूनिट टू का नाम क्या है, विलियन, विलियन चैप्टर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, सर आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है। उसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, आदर्श और अनादर्श घोल के बारे में सर आप लोग को बतलाएंगे नहीं बतलाए हैं, तो बस वही चीज है, ठीक है। तो आदर्श और अनादर्श घोल क्या है इनको कर लेना, इनका आंसर कोई लंबा चौड़ा है नहीं, छोटा सा आंसर है, याद रख लेना, दो नंबरिया में पूछेगा, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, 2022 हो गया और 2020 बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है ना आपका आया हुआ है, ऐसे भी जो है ना हम सर्वे में बोल दिए हैं ना, बोले हैं कि आज का वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, तो स्पेशल जो है ना बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का वीडियो आप सबको मालूम होना चाहिए ना, 12th के विद्यार्थियों के लिए है, तो 12th के विद्यार्थियों के लिए तो हम क्या बतला रहे हैं, तो 12th फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, कितना क्वेश्चन, पांच, वो कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं आप लोग को बतला रहे हैं, यानी दो अंक वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देख लीजिए, ये भी आपका यूनिट टू का ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, यूनिट टू का, क्वथनांक का उनियन से आप क्या समझते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, क्वथनांक के उनियन से आप क्या समझते हैं, कई बार जो है ना बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, क्वथनांक का उनियन से आप क्या समझते हैं, हल्का क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है, दो तीन लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, सर तो ऐसे भी आप लोग को लिखाए होंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए 2020, ठीक है, 2016, 2011, यानी 20 में आया हुआ है, 16 में भी, 11 में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बाबू तुम लोग को जो पसंद है, आप लोग यही ना चाहते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जल्दी से जल्दी बता दे ताकि हम आंसर उनका कर ले, तो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, ठीक है, पांच एक बतलाए हैं, ज्यादा नहीं बतलाए हैं, ज्यादा बतलाते
तो तुम लोग वीडियो कोई देखता है लंबा चौड़ा वीडियो, इसीलिए हम पांच को बतला रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है जल्दी वीडियो जो है खत्म हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका चार, तीन क्वेश्चन हो गया ना है, क्वेश्चन नंबर चार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिट थ्री का है। यूनिट थ्री का नाम क्या है? विद्युत रसायन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? विद्युत रसायन आप लोग पढ़े हो, यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री का नाम है विद्युत रसायन। चलिए इसमें एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाई आप लोग को सर बतलाए होंगे। फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के नियम क्या है, यानी फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के नियम क्या है, प्रथम और द्वितीय नियम दोनों कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में 2020 देख लीजिए, बिहार बोर्ड 2019, 2016, 2014, 2011, बाप रे बाप, 20 में, 19 में, 16 में, 14 में, 11, यानी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के नियम। अब आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट फोर का क्वेश्चन है, यूनिट फोर का नाम है रासायनिक बलगति की, रासायनिक बल गति की, ठीक है, ये यूनिट फोर का। सक्रिय ऊर्जा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2015 2013 में आपका आया हुआ, 15 और 13 बिहार बोर्ड में आया हुआ, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, और ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है फालतू का क्वेश्चन नहीं है, कि जो क्वेश्चन उठाए और आप लोग को बोल दिए ये सब क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, 2025 में आएगा कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन बतला के हमको क्या फायदा होगा, वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखने से भी आपको लगता होगा कि क्वेश्चन वहां से भी इंपॉर्टेंट है, लगने रहा है, लगिए रहा है देखने से, कितना अच्छा है, बाप रे बाप, इतना इतना सुंदर क्वेश्चन, बाप बिंदु दोष क्या है, कितना सुंदर क्वेश्चन, बिंदु दोष क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन नहीं है बाबू, वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार का मतलब पूछी, मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ वो क्वेश्चन आप लोग को बोल दिए कि ये क्वेश्चन कर लो, ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा क्वेश्चन जो है देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक हम यहाँ लिख दिए हैं, क्वेश्चन बैंक से ये सारा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन बैंक से कौन क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, फालतू सब नहीं, मतलब क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं कि 2025 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर कर लेना बाबू कंप्लीट। जो हमारे वीडियो जो 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 चैनल पे नए हो ना, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो